कितने समय में बना देंगे? एक घंटे में, दो घंटे में जी। अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड पेंटिंग बना है महिला सशक्तिकरण पे, वो पेंटिंग आपको गिफ्ट करनी थी लेकिन वो 6 फीट की कैनवास है, नहीं लेके आता। कोई बात नहीं, ये भी बहुत। बस उस महिलाओं के लिए कुछ करना है जो दहेज के कारण उन लोग की ऐसी दशा ना हो सके। थर्ड फ्लोर से मुझे नीचे फेंका गया था 35 फीट ऊंचा, और आज मेरे साथ ये BHU से पेंटिंग ऑनर से ग्रेजुएशन किया है मैंने। मेरी एक बेटी भी है, आज अपने पेरेंट्स के पास हम रहते हैं। दुखी इस बात का है कि आज भी दहेज के कारण इतना सारा कुछ हो रहा है, अब मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, अब मेरे बड़े भाई की तरह। दुनिया में अपनी पहचान और अपना वजूद, जीने की इच्छा इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है, ये बात वाराणसी की बेटियों से सीखने वाली है। ऐसी ही एक वाराणसी की बेटी से आज हम मुलाकात करेंगे, जिनसे सिर्फ हम ही नहीं खुद देश के प्रधानमंत्री मिलकर गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप पूरे देश को अपना परिचय दे दें। मेरा नाम पूनम राय है जी, और मैं BR फाउंडेशन में बच्चों को फ्री में क्लासेस देती हूँ आर्ट की। पूनम जी, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था आपके लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे मुलाकात की है, किस तरीके से बयान करेंगी इसको? मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मेरा सपना था कि मैं मोदी जी से मिलूं। मैं 2017 में वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में अपना नाम दर्ज की और उसमें मैं एक पेंटिंग बनाई थी महिला सशक्तिकरण पे, जिसमें 648 फेस है, वो पेंटिंग मैं मोदी जी को गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन वो 6 फीट की पेंटिंग मैं तो ले नहीं जा सकती थी, तो मैं काशी पे ही एक छोटे से कैनवास पे, 2x2 के कैनवास पे उनकी पेंटिंग बनाई काशी के साथ। उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये पेंटिंग कितने दिनों में बनाई, तो मैंने उनसे बोला कि 1 दिनों में। मुझे मेरी पेंटिंग देख के बहुत खुशी हुए, फिर मैं उनसे ये भी बोली कि आप मेरे बड़े भाई के समान है। मैं मुझे ऐसा लगा कि इतने महापुरुष इतनी देर तक मुझसे बातें करें, मैंने उनका चरण स्पर्श किया, फिर उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, बोला कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग करती हो, वो सराहना किया जी। प्रधानमंत्री ने इनकी पेंटिंग की सराहना नहीं की है बल्कि इनके जज्बे की भी सराहना की है। हम आपको बता दें कि इन एक नॉर्मल इंसान जब किसी से मिलता है या प्रधानमंत्री से मिलता है तो उसकी खुशी अलग होती है, पर जब एक दिव्यांग प्रधानमंत्री से मिलता है तो वो अपनी खुशी को किस तरीके से बयान करता है, आइए जानते हैं इनसे। प्रधानमंत्री से जब आपने प्रधानमंत्री ने जब आपको दिव्यांग के तौर पे देखा है, किस तरीके की बातें हुई हैं, क्या हुआ है? मैं जब वहां पे गई तो मुझे दिव्यांग की श्रेणी में लेके गए थे लोग, लेकिन मैं तो दिव्यांग हूँ नहीं, मुझे तो दहेज के कारण दिव्यांग बनाया गया। और मैं मोदी जी से इतना ही कही कि भैया मैं दिव्यांग हूँ नहीं, दहेज लोभियों के कारण मुझे आज दिव्यांगता का शिकार होना पड़ा। और जैसे ही मैं ये बोली तो मुझे रोना आ गया और मोदी जी ने मेरी आंखों में आंसू देखते हुए, उनकी भी आंखें नम हो गई, उनकी आंखें भर आई। मुझे ऐसा लगा कि अरे मतलब मेरी इतनी बातें सुन के उनको इतना तकलीफ हुआ। मैं उनसे ये भी बोली कि मैं 17 साल बेड पे रही हूँ, उसके बाद मैंने 4 साल की बाहर दुनिया देखी और ये पेंटिंग आपको बनाई, और मैं दिव्यांग नहीं हूँ। तो दिव्यांग नहीं हूँ का जज्बा रखने वाली काशी की ये बेटी, जिसकी बातें सुनकर खुद प्रधानमंत्री रो पड़े, कुछ ऐसी ही कहानी है वाराणसी की बेटियों की। अर्णिमा द्विवेदी, ETV वाराणसी।